हेलो दोस्तों, लोजी फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल, इसका नाम है क्विक वर्ड्स। और दोस्तों आज आपके लिए बस दो खबरें लेकर आया हूँ और मुझे लगता है कि ये एक जो चीज है वो बड़ी ठीक लगी मुझे और दूसरी जो चीज है वो मुझे थोड़ा सा निराशाजनक जरूर लगी है। और बात करते हैं थोड़ी निराशा वाली बात से। मतलब निराशा वाली बात यह है कि जो भाई जो जर्सी जो रिलीज की गई है नेपाली टीम की, जो वर्ल्ड कप में खेलने वाली है, T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है वहां पर खेलने वाली है, उसके लिए जो तैयारी है वो तो चलो जोरों शोरों से हो रही है, लेकिन यार ये जो जर्सी है ये किस तरह की बनाई है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। एक इससे अच्छी जर्सी तो पहली वाली थी, और जितनी भी जर्सी मैंने अभी तक नेपाल टीम की देखी है और जो हुई है दोस्तों वो मतलब तरह से अच्छी जर्सी मानी जाती है, लेकिन आज की जर्सी ऐसी लग रही है जैसे यार कि 10-15 साल पहले वाली जो जर्सी है जो लोग बाग यूज किया करते थे, ओल्ड टाइप का कुछ ओल्ड फैशन लग रहा है और कुछ भी नयापन इसमें नहीं दिखाई दे रहा। और जो भी डिजाइन जिसने इसे बनाया है दोस्तों, मैं तो भाई उससे इतना ही बोलना चाहूंगा, तुमको इतनी जल्दी क्या थी यार, थोड़ा टाइम लेता, टाइम लेके बना लेता। इससे अच्छी तो यार नामीबिया की जर्सी है, नामीबिया की देखो कितनी बेहतरीन जर्सी है, या तो आप देखो युगांडा, चलो उनका वाइब्रेंट कलर होता है लेकिन तब भी यार ठीक ठाक लग रही है भाई। वो जो जर्सी का स्टैंडर्ड होता है ना, वो स्टैंडर्ड उस हिसाब का मुझे नहीं लग रहा है। अब आप क्या कहते हैं, आपकी क्या सोचना है तो प्लीज यार कमेंट करके बता देना। 0 to 10 जितने आप रेट कर सकते हो रेट करके जाना, और मैं तो इस जर्सी को रेट करना बोलूं तो यार 6 या 7 के बीच में, क्योंकि यार इससे नीचे क्या ही दूंगा ना, लेकिन 6 या 7 के बीच में ही रेट देना चाहूंगा। और अगली जो बड़ी खुशखबरी है दोस्तों ये है कि भाई वेस्ट इंडीज की ए टीम जो है वो नेपाल में आ रही है और नेपाल में खेलने जा रही है। अब यार ये खबर ना, ये तो भाई साहब सही मतलब कमाल की खबर है, और मुझे लगता है ये न्यूज ऑफ द डे है भाई। अब देखो यार, हम तो हमेशा चाहते हैं भाई नेपाल जो है वो बड़ी टीमों से खेले। अब बड़ी टीमों खेलने के लिए भाई हम उतनी पहुंच भी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम एक वर्ल्ड लेवल पे हम जाने जा रहे हैं, तो अभी के अभी तो सारी जितनी टेस्ट टीम है वो तो नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि ये जो शुरुआत हुई है दोस्तों, इसके बाद में जरूर टेस्ट नेशन जो है, बड़ी बड़ी टेस्ट नेशन है जो ए टीम ही सही, चलो ए टीम ही भेज दें, अगर वो भी हमारे पास में आती है खेलती है नेपाल में तो दोस्तों, या हम उनके पास में टूर करते हैं तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि नेपाल का जो एक सुनहरा जो भविष्य है वो बहुत करीब है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही सही आगाज हुआ है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में अगर इसी तरीके से अपने जो पड़ोसी मुल्क है, जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, बात करें इंडिया की, बात करें श्रीलंका या बांग्लादेश, तो या अफगानिस्तान ही सही, इनके अगर ये जो क्रिकेट नेशंस हैं ये अगर नेपाल में आके खेलते हैं, या हमें ऐसी ट्राई सीरीज वगैरह कुछ होती है तो अगर ये ऑर्गेनाइज हो सके तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल रहेगा। और ये एक बहुत अच्छा एक अवसर है कि एक ऐसी टीम के साथ में खेलना जो कि उस तरीके से खेलते हैं। अब अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज में ही वर्ल्ड कप होने वाला है, तो वेस्ट इंडीज की टीम से खेलना अच्छा रहेगा, एक्सपीरियंस जरूर उनसे मिलेगा। और हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था वहां पे हार का सामना करना पड़ा था हमें, लेकिन वहां पे हमने गेम अच्छा दिखाया था और पूरे वर्ल्ड ने हमको समझा था और जाना था कि भाई हाँ नेपाल में दम तो है। तो इस बार भी अगर ये दम दोबारा हम दिखा सके तो दोस्तों वर्ल्ड लेवल पे हमारा नाम बिल्कुल आगे आने वाला है दोस्तों, और ये पक्की वाली बात है। चलो दोस्तों भाई ये रही आज की खबर, और आपको ये आज की खबर कैसी लगी यार कमेंट करते हुए जरूर जाना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना दोस्तों। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।